वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अतनु, मैं आपको बोला था जैसे कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा हुंडई i10 ग्रैंड नियोस के बारे में। यह है मैग्ना वेरिएंट, जिसमें आई विल गाइड यू कि मेरा 2 साल का जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ, उसमें मुझे क्या क्या अच्छा लगा या फिर क्या और भी बुरा लगा, या फिर मुझे क्या ऐसा लगा कि जो बेहतर हो सकता है या फिर इन्होंने वो बेहतर प्रोवाइड किया। द फर्स्ट थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू नो दैट मुझे लेट यू नो दैट सॉरी कि इसका जो टायर साइज है, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, ये है 165/70 R40। मुझे पर्सनली फील होता है ये टायर जो है ये ऑलरेडी मतलब 2 साइज बड़ा, एटलीस्ट R16 होना चाहिए था और ये 14 भी होना चाहिए था। ये जो 165 का प्रोफाइल है, ये थोड़ा सा और बढ़ाने से शायद गाड़ी का और भी पकड़ आता है या फिर ग्रिप रहता है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील होता है, मगर अगर ये अच्छा बढ़ा सकता है आई डोंट नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गाड़ी का और भी अच्छा पकड़ रहता, टर्निंग जो रेडियस है शायद उसमें कुछ डिफरेंस आता, मगर जो भी है वो फीडबैक अच्छा फील होता है। दूसरा है अगर ये गाड़ी ऐसा मतलब जो है इसमें सबसे सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे हुआ वो है म्यूज़िक सिस्टम में। जब मैंने ये लिया था उस टाइम में इसके ऊपर का जो मॉडल था वो था स्पोर्ट्स, जो कि इससे बहुत ज़्यादा ही प्राइस आता था, तो मैंने ये लिया था। ये आपका मैग्ना प्लस वेरिएंट है, तो मुझे ये म्यूज़िक सिस्टम मिला था। यह है फैक्ट्री फिटेड, आप देख ही सकते हैं। इस म्यूज़िक सिस्टम में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मैंने कंप्लेन भी किया के कंपनी को, मैंने पर्सनल मेल लिखा ईमेल ह्यूंडई इंडिया को बहुत बार, द पीपल फ्रॉम ह्यूंडई अप्रोच मी, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला। एट द एंड दे टोल्ड के सर आई कैन चेंज योर म्यूज़िक सिस्टम। आई कैन अंडरस्टैंड दैट उन लोगों ने अपने तरफ से कोशिश किया है, मगर मेन इशू है ये फैक्ट्री फिटेड जो म्यूज़िक सिस्टम आता है दे आर नॉट अप टू द मार्क। अगर मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ जिसका कॉस्टिंग लाउन अबाउट 6 लाख और 7 लाख के बीच में है, एटलीस्ट जब बायर जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा म्यूज़िक सिस्टम में कंपनी 10,000 या 5,000 या फिर मोर देन दैट थोड़ा सा स्पेंड करे, उसको अच्छा क्वालिटी म्यूज़िक मिले। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू कि मैं एकदम सेटिस्फाइड नहीं था ये म्यूज़िक सिस्टम से और इसका स्पीकर से। उसके बाद मैंने मतलब मार्केट में जाके बाहर से म्यूज़िक सिस्टम का जो स्पीकर से वो स्पीकर्स मैंने चेंज करवाया गाड़ी का, फिर इसमें वर्कआउट किया। तो ये मैंने चेंज नहीं किया था बिकॉज उस टाइम में जो ऑप्शंस अवेलेबल था दोज आर द चाइनीज़ एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम। एंड ये जो फ्रेम था मैंने जब गाड़ी लिया था वो उस टाइम में ये गाड़ी का फ्रेम अवेलेबल नहीं था, मतलब कोलकाता में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे बोला था ये काट के बिठाना पड़ेगा। आई डोंट अलाउ देम टू डू दिस टाइप ऑफ चेंजेस, मुझे जो पर्सनली फील होता है जो कंपनी में बना के दिया है आई अलाउ दोज थिंग्स, बट जो अलग से जो चेंजेस होता है काट के या फिर कुछ बाई फोर्स दैट, ये मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने अलाउ नहीं किया। तो ये म्यूज़िक सिस्टम मैंने यूज़ किया था। इसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम मुझे फील हुआ वो है गाड़ी का सस्पेंशन। सस्पेंशन ऐसा प्रॉब्लम फील हुआ आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि क्या हो रहा था। तो गाड़ी जब मैंने लिया उसके बाद ही फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उस टाइम में मैंने एक बार मैं खोल लेता हूँ फिर मैं जाके दिखाता हूँ कि क्या हुआ। लेट मी ओपन दैट बॉक्स। फ्रंट का बोनेट अगर खुल गया है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इशू हुआ था ये वाला जो सस्पेंशन है इसमें, जो कि मैंने कंपनी में बहुत बार चेक कराया मगर कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। ये सस्पेंशन में ज़्यादा और इस सस्पेंशन में थोड़ा सा कम, तो मुझे फील हुआ था कि मैं जब भी बम्पर क्रॉस कर रहा हूँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गाड़ी का जो सस्पेंशन है, अगर मैं बहुत स्लो क्रॉस करूँ तो वो शायद आप देख पाएंगे कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, मुझे लग रहा है कि सस्पेंशन काम नहीं कर रहा है। और ये हर बार नहीं हो रहा है, कभी कभार हो रहा है। ये जो सस्पेंशन है साथ में इस साइड का भी जो सस्पेंशन है, मेनली हुआ था मेरा लेफ्ट साइड में, इसमें कम हुआ था ड्राइवर साइड का जो है इसमें कम आवाज़ आ रहा था, मगर इट वाज ओवर देयर कि ये आवाज़ मुझे फील हुआ था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ह्यूंडई को कॉन्टैक्ट किया मगर
तो उस टाइम में जो चल रहा था लॉकडाउन, इसलिए दे आर नॉट एबल, उन लोगों बोला कि सर जब प्रॉब्लम लॉकडाउन खुल जाएगा तो वी विल सेंड समवन और यू कैन कम टू आवर प्लेस एंड वर्क ऑन इट। तो मैंने उस पर भी काम, मैंने उसको ले गया सर्विस सेंटर में, सर्विस सेंटर में ले जाके मैंने दिखाया कि सबको कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ गाड़ी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। दे वर्क, मैं उन लोगों को समझाया, कभी कभार आवाज़ आता था कभी कभार नहीं आता, स्टिल इट्स सेम। मैं जब भी शोरूम में जाता हूँ उन लोगों को कभी आवाज़ मिलता है कभी नहीं मिलता है, मगर सस्पेंशन का जो इशू है वो अभी रह गया। एंड उसके बाद जो नेगेटिव है वो है ये गियर। मैं, ये मेरा तीसरा कार ये है जो मैं ह्यूंडई यूज़ कर रहा हूँ, मैं थर्ड ह्यूंडई कार, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा ब्रांड यूज़ किया हूँ, मगर ह्यूंडई में मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता था ये रिवर्स गियर। लुक दिस, फाइन, ये रिवर्स गियर में क्या होता है, जब भी मैं रिवर्स गियर में गाड़ी डालता हूँ कभी कभार होता है कि एट द एंड ऑफ मीन द डे, कभी कभार होता है कि सुबह जब गाड़ी स्टार्ट होता है उस टाइम में, तो गाड़ी रिवर्स गियर में डालने से ही जितना भी मैं, ये आप देख सकते हैं दिस इज़ द थिंग, क्लच, इतना भी मैं क्लच करूँ ये रिवर्स गियर लगता नहीं है। ये एक बहुत ख़राब नॉइस करता है, खड़खड़ 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 लगता है कि इंजन में कुछ टूट जाएगा, ऐसा डर लगता है जो भी ड्राइवर होता है उसको। तो दिस इज़ द थिंग कि ह्यूंडई को वर्क करना चाहिए। मेरा लास्ट, मैंने जो एक ईऑन ड्राइव किया था उसको मैंने 65,000 चलाया था, उसमें भी सेम इशू था। ह्यूंडई में बहुत बार कंप्लेंट किया, वो लोग रिजॉल्व नहीं किया, सेम इशू मेरा ये ग्रैंड आइटन न्यूज में भी हो रहा है, ये रिवर्स गियर का प्रॉब्लम। ये रिवर्स गियर का प्रॉब्लम अगर सुलझा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो लाइट है हेलोजन लाइट, तो मुझे लगता है कि ये हेलोजन लाइट रात के लिए इनफ नहीं है, थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना चाहिए था। हेलोजन ही दे मगर ऐसा दे कि जो अगर हम लोग रात में ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा जस्टिफाई करें। शायद इसमें एक बार फ्रॉस्ट चेक कर लेता हूँ, मगर ये हेलोजन लाइट्स जो है, ये मैग्ना मॉडल है, इसमें हेलोजन ही आता है, तो कितना जस्टिफाई कर पा रहा है पता नहीं। अब देखें, ये मैग्ना मॉडल का हेलोजन जो है ये कुछ और फोकस, अगर और कुछ, लेट मी शो यू, ये शायद कैमरा में नहीं आ रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, तो मुझे जितना दिखाई दे रहा है ये फिलिप्स का है, NH19 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, और ये जर्मनी में मेड हुआ है, कैमरा जस्टिफाई कर रहा है, आई डोंट नो। तो ये जो लाइट थ्रो करता है रात में, दैट इज़ नॉट एनफ फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट एनफ। ये और भी कुछ इससे मैं वर्कआउट करना चाहिए था। आई टोल्ड के मैं इसमें, मैं शोरूम में जब गया था तो उस टाइम में मैंने बोला था कि फॉग लैम्प अलग से डाल दो, एट द टाइम इसका जो फॉग लैम्प होता है ये अवेलेबल नहीं था, तो डेट डिनाइड किया, सर अभी अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर होता है तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो लाइट का इशू है, ये लाइट का इशू अभी भी रह गया। मैंने सोचा था कभी कि इसमें IPH या फिर LED कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन में जाऊँ, जो कि किया नहीं अभी तक। इसके अलावा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इसका इंटीरियर का जो क्वालिटी है, लेट मी शो यू वन थिंग, मैं, मेरे पास दूसरा भी एक ह्यूंडई है, ये जो आप अगर इसमें हाथ लगाएंगे ना, दिस इज़ द सीट बेल्ट, आपको पता चल जाएगा इसका जो क्वालिटी है। ये पहले का जो ह्यूंडई कार आता था मेरे पास, ऑलरेडी एक सिर्फ ग्रैंड ह्यूंडई i10 है घर में, तो उसका जो क्वालिटी, इसका क्वालिटी काफ़ी अलग है। ये जो प्लास्टिक है, दिस आर नॉट लाइक, अब हाथ देने से आपको पता चल जाएगा, देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टिक्स। ये जो थिंग्स है इस पर ऑलरेडी ये वर्कआउट करना चाहिए, अगर कंपनी वर्कआउट करता है तो दिस आर द वेरी गुड थिंग। और इसका भी बेटर साइड आपको बताते हैं कि इसमें बेस्ट जो प्रोवाइड किया वो क्या है। तो इसका सबसे बढ़िया जो चीज़ है आपको इसका लुक्स, इसका लुक आपने पहले ही देख लिया, जो कि मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस वैल्यू में बहुत ही अच्छा है द लुक। एक बार आप अगर सामने से भी देखेंगे, मुझे सामने से ये गाड़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है इन मीन्स कंपेयर टू अदर साइड, मगर इसका लुक मुझे अच्छा लगता है। अगर आप देखेंगे इसका स्पेस जो है अंदर बहुत ज़्यादा ही स्पेसियस है, हेडरूम भी बहुत अच्छा है किसी को, मैं खुद हूँ 5 feet 8 inch, तो मुझे, आप देखेंगे मैं आपको मिरर में दिखाता हूँ, सी ये इतना सा है, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें हेडरूम आगे पीछे हर जगह अच्छा है।
ये गाड़ी मेनली है 4 सीटर, मगर अगर आप चाहे तो आप 5 सीटर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मेरा कोई बैठता नहीं है तो मैं इसको 5 सीटर भी यूज़ करके देखा हूँ, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। यू कैन यूज़, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसका हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है गाड़ी, अब अगर आप यूज़ करते हैं इसको लॉन्ग टर्म में तो आप पता चल जाएगा कि गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छा है। इसका जो बॉडी रोल है वो मैं एवरेज बताऊंगा, क्योंकि आप अगर इसको गाड़ी को चलाएंगे आपको पता चल जाएगा कि एक सर्टेन टाइम तक दूसरा गाड़ी जब आप ड्राइव करेंगे तो कंपेरिजन में आता है, तब आपको बॉडी रोल फील होता है कि इसका गाड़ी का बॉडी रोल कितना है। नॉर्मली एक सेम मतलब इस रेंज में ये गाड़ी का बॉडी रोल आई थिंक इट्स ठीक ठाक है, चलने लायक है, कोई इशू नहीं है। और इसका जो है पिकअप, पिकअप में बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी का पिकअप कभी कभार लगता है कि थोड़ा सा लैग करता है, इट्स नॉट एवरी टाइम। फिर पेट्रोल कार है, पेट्रोल कार में पिकअप ऑलरेडी बहुत जल्दी आना चाहिए तो लैग करना चाहिए नहीं, मगर कभी कभार फील होता है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये एंड वन थिंग इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि गाड़ी में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक एयरबैग सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छा है, 2 एयरबैग दिया है। साथ ही साथ इसमें अगर मैं विदाउट बेल्ट यूज़ किए गाड़ी को चलाता हूँ या फिर ड्राइव करने का कोशिश करता हूँ, एट दैट टाइम ये गाड़ी बीप करने लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए सेफ्टी फीचर्स में गाड़ी में बहुत अच्छा काम किया है। इसका सीट बेल्ट का जो अलार्म है ये हेल्प करता है कि कभी कभार होता है कोई भूल जाता है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें भी आपको शो कर देगा। जैसे कि अभी मैं सीट बेल्ट पहना हूँ तो ये सीट बेल्ट का अलार्म देखिए, अभी ये अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, लेट मी शो यू, ये खुद ही बंद हो गया गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करता तो ये तुरंत ये डिनोट करने लगता। सो दीज आर द थिंग राइट नाउ आई एम हैविंग और फेसिंग विथ Hyundai। आई एम हैप्पी, मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुश हूँ ठीक है गाड़ी में, मगर थोड़ा बहुत चेंजेस अगर होता है तो शायद ये खुशी एक वाव फैक्टर में कंपनी प्रोवाइड कर सकता है। एज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द कंपनी जब फर्स्ट टाइम कार बनाता है तो दे जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम वही क्वालिटी कॉस्ट कटिंग के लिए एटलीस्ट 5% उसमें नीचे आ जाता है। दे वर्कड ऑन द कॉस्ट कटिंग, इसलिए क्वालिटी जो है वो 5% डिक्रीज हो जाता है। तो शायद इसीलिए आई एम फीलिंग के ये जो मेरा जो फी मतलब जो भी अभी तक एक्सपीरियंस है ये शायद इसके लिए हो सकता है या फिर दूसरा और चीज़ हो सकता है। बट आई थिंक दैट अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है दैट शुड थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड देयर आफ्टर ये बेटरमेंट रहेगा। तो इफ़ यू वांट टू प्लान, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ Hyundai i10 Grand Neos, दीज आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड्स। आप इसमें सोच सकते हैं खुद, फिर आप अपने गो थ्रू कर सकते हैं आपका इंटरनेट में, फिर यू कैन डिसाइड। एंड इतना देर तक बने रहने के लिए और धन्यवाद। आप कृपया अगर आपको लगे कि मैं आपको कोई सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।